हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर देखा था। तो आज हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखेंगे। फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर, उसमें अब 4:1 है, यानी कि 4 इनपुट और 1 आउटपुट है। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 2^m इज इक्वल टू n। सो m क्या होता है? कंट्रोल लाइंस, और n है इनपुट्स। अगर 4 इनपुट है तो कंट्रोल लाइंस कितनी होंगी? 2^2, यानी कि 2। सो यहाँ पे देखो, 4 इनपुट्स लिए हैं हमने, जो कि है D0, D1, D2, D3, और 2 कंट्रोल लाइंस होंगी A और B। ये है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम, जिसमें हमने यहाँ पे ये 4 इनपुट्स दिए हैं, ये 2 कंट्रोल लाइंस है, और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा, जो कि होगा Y। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर हम हमारे जो लॉजिक गेट से उसके जरिए से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, 4 एंड गेट्स लिए हैं और एक और गेट लिया है, और यहाँ पे ये 2 नॉट गेट है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन से हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट बनाया है। यहाँ पे देखो, D0, D1, D2, D3 ये 4 इनपुट्स है, जो कि हर एक गेट को एक इनपुट दिया है। ये ए और बी हमारी कंट्रोल लाइन से। अब यहाँ पे ए और बी, ये जो हमारे 2 पॉइंटर है, उसको हमने 2 इनपुट्स दिए हैं। अब ये किस लिए? तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो होंगी 1, और ये होगा 0। इसी तरह से ये होगा 1 और ये होगा 0। तो यहाँ का जो इनपुट है वो है 1, और यहाँ पे 1 का, यहाँ पे नॉट गेट है, इसलिए ये हो जाएगा 0। इसी तरह से 1 और 0। अब ये है इसका टेबल। यहाँ पे देखो, ए और बी हमने जैसे लॉजिक गेट्स में देखा था, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ऐसे हमने इतने इनपुट्स लिए हैं यहाँ पे, और हर एक इसको एक आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट में मिलेगा। तो अब ये देखो, हमने पहले ही देखा था, सिलेक्ट लाइंस जो है वो क्या काम करती है? इनपुट को आउटपुट में लाने का, यानी कि वो चूज करती है कि इतने मल्टीपल इनपुट्स में से कौन सा इनपुट हमें आउटपुट में दिखेगा। तो अब ये देखो, जब हमें D0 चाहिए तब क्या होगा? ये जो है ये 0 को कनेक्टेड है, और बी है वो भी 0 को कनेक्टेड है। तो जब 0 0 होगा तब हमें D0 मिलेगा। जब 0 1 होगा, यानी कि ये है ये 0 और ये है 1, तो जब 0 और 1 होगा तब हमें D1 मिलेगा। इसी तरह से 1 0 को D2 मिलेगा और 1 1 को D3 मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर है, इसका हम बुलियन इक्वेशन या फिर बुलियन लॉ कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, y यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू, अब पहला क्या है, 0 0 को हमें D0 मिलेगा, इसीलिए 0 यानी कि a बार होगा, तो a बार इंटू बी बार इंटू D0 प्लस a बार इंटू बी इंटू D1 प्लस a बी बार D2 प्लस ए बी D3। इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाया है। यह है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का मेन इक्वेशन। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, जहां पे हमने 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखो, 2:1 मल्टीप्लेक्सर को 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, और जो सिलेक्ट लाइन होगी वो 1 होगी, इसीलिए D0 D1 ये फर्स्ट इसके इनपुट है,
डी टू डी थ्री सेकेंड के लिए। सिलेक्ट लाइन दोनों को हमने कॉमन दी है और यहाँ पे दूसरी सिलेक्ट लाइन, सो यहाँ पे हो गए चार इनपुट और ये दो सिलेक्ट लाइन्स कंट्रोल लाइन्स और यहाँ पे एक आउटपुट। इस तरह से हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके 4:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।